हेलो स्टूडेंट्स, एग्री अपडेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों अपने उद्यान विज्ञान के अंतर्गत पोमोलॉजी शाखा का अध्ययन कर रहे थे, किसका? पोमोलॉजी की। तो अपने पोमोलॉजी की जो कंटिन्यू सीरीज चल रही थी, तो उसमें आज बच्चों अपने पास कौन सा लेक्चर है? 11th नंबर का लेक्चर है, जिसमें अपने किस फ्रूट के बारे में अध्ययन करेंगे? तो बच्चों ग्रेप्स यानी कि अंगूर की क्रॉप के बारे में कम्प्लीट अध्ययन करवाया जाएगा आपको। ओके, और ये लेक्चर किन बच्चों के लिए लाभदायक होने वाला है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू, इन एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बच्चों आप बने रहें हमारे साथ और आज अपनी बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखो, तो ये बच्चों अपने पास फ्रूट का आइडेंटिफिकेशन करवा दिया आपको, यानी कि ग्रेप्स यहाँ पर अपने पास ब्लैक हो गया, यहाँ पर अपने पास, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। और ये बच्चों इसकी क्या रहती है? वाइन। क्या रहती है? वाइन, ठीक है ना, यानी कि अंगूर की बेल। तो ये बेल का आइडेंटिफिकेशन करवा दिया। इसकी लीव जिस प्रकार की रहती है, अपने प्लांट को देखकर भी पहचान सकते हैं। ओके, चलो बच्चों, तो अब इसका अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वन बाय वन पॉइंटों का अध्ययन करेंगे। आपको यदि इतना आपने याद कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम में बैठें हॉर्टिकल्चर के, आपको यहीं से ही क्वेश्चन मिलेगा, यह आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ। चलो बच्चों, अपने पास यानी कि ग्रेप्स अंगूर, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं अपने पास कि इसका बोटनिकल नेम क्या होता है। तो बच्चों ये इसका बोटनिकल नेम क्या होता है? विटिस विनिफेरा। इसका बोटनिकल नेम अपने पास ये देखो, इस प्रकार की प्लांट रहती है, ठीक है ना, वाइन। तो इसका बोटनिकल नेम बच्चों अपने पास रहता है विटिस विनिफेरा। और थोड़ा सा ये क्रॉप क्या रहेगा बच्चों? लेंथ है, परंतु इसमें से कोई भी टॉपिक अपने मिस नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप हमारे साथ थोड़ा सा स्पीड में याद करेंगे। तो देखो अपने पास बॉटनिकल नेम विटिस विनिफेरा। अब आप कहोगे सर इसका कुल क्या है? तो बच्चों रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ देखो विटिस से लगेगा तो विटेसी, इसका कुल क्या रहता है? विटेसी रहता है। तो ये किस कुल से बिलोंग करने वाला प्लांट है? इसकी फैमिली क्या होने वाली है बच्चों? विटेसी। ओके, विटिस विनिफेरा विटेसी, आप मेरे साथ बोलें, विटिस विनिफेरा इसका क्या है बच्चों? बोटनिकल नेम। विटेसी इसका क्या है? कुल। अब इसका ओरिजिन पैलेस क्या रहता है बच्चों? कैस्पियन सी टू आर्मेनिया रीजन। तो यहाँ पर अपने पास कैस्पियन सी टू आर्मेनिया क्षेत्र इसका क्या रहता है? ओरिजिन पैलेस। परंतु यहाँ पर अपने पास क्या दिया है? क्रोमोसोम नंबर दिया है। सर इसमें कितने होते हैं? 38 होते हैं बच्चों। अब आपको याद होना चाहिए 36 किस्में था। आप कहो सर खजूर में, बेल पत्र में, बेल में हो गया। ओके, वैसे बेल में बच्चों 2N क्या होता है? 18 होता है, रूटेसी कुल का प्लांट रहता है। 33 किस्में था? 33 सर, आप कहोगे सर ये अपने केला में था। ओके, 33 हो गया, 36 हो गया, 40, 40 किस्में था बच्चों? आम में, जामुन में, मूंगफली में, सोयाबीन में। तो इस प्रकार आपको इंटरलेट करके याद करना पड़ेगा। 38 किस में हो गया? अंगूर में हो गया। ओके, ठीक है। वहीं यदि एग्जामिनर क्या दे? 28, तो 28 आप कहोगे सर आंवला में था, क्योंकि आप अभी तक उम्मीद है कि सब जितने भी लेक्चर थे एग्री अब के पोमोलॉजी के अंतर्गत आपने देख लिया होगा, उम्मीद यही कर रहा हूँ। नहीं देखे हैं तो वो बच्चे देखें, क्योंकि आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलो बच्चों, उत्पत्ति स्थान यानी कि ओरिजिन पैलेस अपने पास क्या है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सी टू आर्मेनिया क्षेत्र होता है, ठीक है, कैस्पियन सागर से लेकर आर्मेनिया क्षेत्र इसका माना जाता है। ओके, तो अब देखो दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। विटिस विनिफेरा बॉटनिकल नेम, विटेसी इसका अपने पास क्या हो गया? फैमिली। क्रोमोसोम नंबर 28 अंगूर में, सॉरी 28 आंवला में, 38 अंगूर में, 36 खजूर में, 33 केला में, 40 आम, जामुन, मूंगफली, सोयाबीन में हो गया। ओके, ओरिजिन पैलेस कैस्पियन सागर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो यहाँ से देखिए बच्चों, फल प्रकार इसका क्या रहेगा? बेरी या सैरस। सर आपने कहा था कि जब फ्रूट के अंदर कोई बीज होता है तो वे फल जिनमें बीज पाए जाते हैं उनका बेरी या सैरस होगा। तो बच्चों इसमें भी यदि आप ने महसूस किया होगा तो आभासी बीज पाए जाते हैं बीज में, ठीक है ना, तो इसका भी क्या रहेगा? बेरी या सैरस रहेगा। तो इसको आप स्टार लगा दीजिए, क्योंकि आपको रटना नहीं है, कंसेप्ट याद होना चाहिए। चलो पुष्पक्रम बच्चों इसका क्या होता है? पेनिकल।
सर्पेनिकल और किसका बताया था बच्चों, आम का दान, आम व दान का क्या होता है, पेनिकल होता है। ओके सर, अब देखो खाने योग्य भाग बच्चों इसका क्या रहेगा, पेरिकार्प एवं प्लेसेंटा, पेरिकार्प एवं प्लेसेंटा, यानी कि इसका पेरिकार्प से आप समझ गए होंगे कि एंडोकार्प मीजोकार्प, देखो एंडोकार्प प्लस मीजोकार्प प्लस एक्जोकार्प तीनों खाया जाता है। ओके, अब देखो बच्चों इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसको मैंने स्टार दे दिया, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है सर। टार्ट्रिक अम्ल और किस में पाया जाता है बच्चों, टेमारिंड यानी कि इमली में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। यहीं से बच्चों कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैलिक अम्ल आपसे पूछा जाए तो मैलिक अम्ल किस में, गाजर व सेब, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अब साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिड हो गया, तो ये बच्चों सिट्रस वर्ग के फ्रूट में व टमाटर में, टमाटर में कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड, तो इसको स्टार दे दिया। ओके, तो ये चीज़ें आपको ही पता होनी चाहिए, मैलिक अम्ल हो गया, टार्ट्रिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया। ओके, अब देखो इसमें बच्चों शर्करा कितनी पाई जाती है, 20 से 24% इसमें शर्करा पाई जाती है। और बच्चों इसमें यदि बात करें तो कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फ्रक्टोज नामक, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है, ठीक है ना, अंगूर में फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। और वैसे सर्वाधिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है जो फलों में पाई जाती है, आपको इतना याद रखना होगा। चलो इसमें बच्चों एक विशेष सुगंध या खुशबू किसके कारण आती है, मिथाइल एंथ्रेनिलेट के कारण आती है। एक विशेष फ्लेवर यानी सुगंध किसके कारण आती है, मिथाइल एंथ्रेनिलेट के कारण आती है। जैसे आपको बताया था ना केला में एक विशेष सुगंध किसके कारण आती है, आइसोपेंटोल के कारण आती है, आइसोपेंटोल के कारण आती है, ये बताया था ना आपको, हाँ सर आपने बताया था। ओके, तो बच्चों याद करते रहें। चलो कलम लगाने का समय जनवरी, ठीक है ना, कलम लगाने का समय जनवरी होता है। देखो प्रूनिंग का भी याद रखना होगा, प्रूनिंग कटाई छंटाई करते हैं उसी टाइम कलम लगाएंगे। चलो प्रूनिंग, उत्तरी भारत की बात करें, उत्तरी भारत में तो अपने पास क्या रहता है, जनवरी फरवरी, ठीक है ना, ये होता है। और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर नवंबर दिसंबर हो जाएगा। चलो पुष्पन का समय बच्चों क्या होता है, मार्च अप्रैल, पुष्पन का समय मार्च अप्रैल होता है, फ्लावरिंग आती है। और उसके बाद में मई से लेकर जुलाई तक अपनी क्या होती है, फ्रूट इसमें फलन होता है। तो ये देखो फलन का समय क्या रहेगा, मई से जुलाई तक। आपने देखा होगा जब अभी वर्षा सीजन चल रहा है जुलाई में, तो अभी अपने अंगूर आ रखे। ओके, चलो पौधरोपण का समय बच्चों, प्लांटिंग का समय अक्टूबर, दक्षिण भारत में हो गया अक्टूबर में, और उत्तर भारत में बात करें तो जनवरी में हो गया प्लांटिंग का। कलम लगाने का समय है। ओके, चलो तो ये इस प्रकार आपको याद करना होगा, परंतु इसमें देखो अपने पास प्रूनिंग का जो पॉइंट आएगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन मिलता है। देखो प्रूनिंग का समय बच्चों कब होगा, यहाँ देखो दक्षिणी भारत में दिसंबर में, दिसंबर में हो गया, और बात करें उत्तरी भारत में तो जनवरी फरवरी हो गया, जनवरी फरवरी हो गया। यहाँ पर अपने पास बात करते हैं तो नवंबर दिसंबर हो जाएगा। ओके, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, प्रूनिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। चलो अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है बच्चों, विटीकल्चर कहलाता है, अंगूर सी की खेती करना विटीकल्चर। और अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन, अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन क्या कहलाता है, वीरिकल्चर कहलाता है। तो अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन बच्चों क्या कहलाता है, वीरिकल्चर कहलाता है। कई बार एग्जाम में आपको विटीकल्चर और वीरिकल्चर दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि होगा क्या। अब देखो अपने पास यहाँ बच्चों अंगूर क्या है, एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, यानी कि आप कहोगे सर ये तोड़ने के बाद में नहीं पकाया जाता है ना, तो बच्चों इसको तोड़ने के बाद में नहीं पकाया जाता है, या यूँ सोचें कि इसके पकते वक्त रेस्पायरेशन रेट क्या होती है बच्चों, कम होती है। चलो विश्व में सर्वाधिक अंगूर कहाँ होता है, इटली में होता है। विश्व में सर्वाधिक अंगूर कहाँ होता है, अंगूर की खेती इटली में होती है। भारत में यदि सर्वाधिक बात करें तो कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है। और यदि बात करें बच्चों राजस्थान में तो श्रीगंगानगर में होती है। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता तो किसकी होगी, भारत की होगी। भारत में सर्वाधिक अंगूर कहाँ होंगे, महाराष्ट्र में होंगे।
और बात करें बच्चों राजस्थान में, तो राजस्थान में सर्वाधिक अंगूर कहाँ होंगे? श्री गंगानगर में होंगे। सर राजस्थान में श्री गंगानगर हमने तो कहीं और चार्ट देखा नहीं इसका, तो बच्चों ये एग्रीकल्चर है तो इसमें आपको याद करना होगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें होती है आपको पता होना चाहिए। चलो, माना जाता है विश्व में अंगूर लगाने वाले क्षेत्रों में बच्चों मुख्यतः किस पोषक तत्वों की कमी होती है? तो मैग्नीशियम की क्या कमी होती है। जहां अंगूर लगाने का क्षेत्र होता है वहां मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी होती है? मैग्नीशियम की कमी होती है। ओके, चलो, फल के ऊपर मोम जैसी एक परत पाई जाती है। मोम जैसी एक परत पाई जाती है, इस परत को क्या कहते हैं बच्चों? क्यूटीन कहते हैं। इस परत को क्या कहते हैं? क्यूटीन नाम दिया जाता है। और काली मृदा में अंगूर लगाने पर कमी हो जाती है। काली मृदा यानी वर्टिसोल, वर्टिसोल काली मृदा को किस गण के अंतर्गत रखा गया? वर्टिसोल में। तो उसमें लगाते हैं अपने पास अंगूर, तो अंगूर में आयरन की कमी हो जाती है। अंगूर में भी आयरन पाया जाता है, ठीक है। रेजिन, रेजिन यानी कि बच्चों 17% इसमें पाया जाता है। रेजिन होता है यानी कि ड्राई ग्रेप्स, सूखे हुए अंगूर में रेजिन कितने? 17% नमी होती है। रेजिन में नमी प्रतिशत है, ये नमी प्रतिशत 17% नमी पाई जाती है। ओके, चलो यहाँ देखो बच्चों, अंगूर में गंध यानी कि विशेष सुगंध किसके कारण था? मिथाइल एंथ्रेनिलेट, ये दोबारा आ गया ना, इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है ना। देखो बाह्य दलपुंज, ठीक है, और अंतः दलपुंज मिलकर एक संरचना बनाती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? कैलिप्ट्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रा। उसे देखो कैलिप्ट्रा कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी बाह्य दलपुंज और अंतः दलपुंज मिलकर एक संरचना बनाते हैं, उसे कहते हैं कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा का संबंध है बच्चों किससे? अंगूर से। ओके, इस प्रकार भी याद करना होगा। चलो, अंगूर में फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बच्चों? फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। जो फलों में सर्वाधिक मीठी शर्करा की बात आई तो फ्रक्टोज हो जाएगी। अब देखो, अधिक लवण वाली मृदाओं में अंगूर डॉगरिज या साल्ट क्रिक, डॉगरिज या साल्ट क्रिक नामक मूलव्रंथों पर लगाए जाते हैं। यानी कि ये डॉगरिज मूलव्रंथ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेलाइन रेजिस्टेंट रूट स्टॉक होता है किसका? अपने पास अंगूर का। विश्व में कुल अंगूर उत्पादन का लगभग 80% भाग होता है वो बच्चों शराब बनाने में काम आता है। शराब जो 80% भाग शराब उत्पादन में उपयोग में लिया जाता है, जबकि 20% बचेगा वो अपना किशमिश व रस हेतु उपयोग किया जाता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो, जिन बच्चों ने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, साथ में नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। चलो, अंगूर के फलों को निर्जलीकरण करके किशमिश एवं दाख बनाए जाते हैं। ओके, यानी सूखा कर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन सूखा कर किशमिश व दाख बनाई जाती है। प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा फलों की शर्करा होती है और जिसे फ्रक्टोज कहते हैं। यानी कि फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है प्रकृति में। चलो, यहाँ पर जलवायु वेरी इंपॉर्टेंट है। उपोषण जलवायु का प्लांट है अंगूर। किस जलवायु का प्लांट है बच्चों? उपोषण जलवायु का प्लांट है। चलो, बसंत ऋतु में अंगूर में वृद्धि व फलन होता है। बसंत ऋतु में अंगूर में वृद्धि व फलन होता है। ओके, अंगूर सदाबहार प्लांट होता है, वर्ष में दो बार फल देता है। वर्ष में दो बार फलन होता है इसमें। ओके, और अपने जीवन काल में एक बार फल देने वाला कौन सा फ्रूट था? केला। इस चीज को ध्यान रखें। प्रवर्धन, इसको बच्चों क्या दे दिया? 3 स्टार 4 स्टार पॉइंट दे दिया। ये कौन सा? 4 स्टार दे दिया बच्चों, इसको ध्यान रखें। प्रोपेगेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा होता है? हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग कठोर तना कलम द्वारा, कठोर तना कलम द्वारा। अंगूर का प्रवर्धन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर बार रिपीटेशन रहता है। इस प्रकार का अब की बार भी जेट 2022 में एक क्वेश्चन आया था। ओके, तो यहाँ देखो, इस प्रकार ये कटिंग लेते हैं, मैच्योर करंट सीजन वुड लेते हैं यहाँ देखो, और फिर इनको इस प्रकार प्लांटिंग करके लगाया जाता है। उत्तरी भारत में देखो दिसंबर से जनवरी में हो गया और दक्षिणी भारत में अक्टूबर नवंबर में हो गया। ओके, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। ये अपने पास 4 स्टार पॉइंट रहता है,
अलग से नोट्स तैयार करें, शॉर्टकट नोट्स तैयार करें, फिर भी इस पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा आपको। अब देखो अपने पास कलमों में सीगर जड़ निर्माण हेतु इंडोल ब्यूटारिक एसिड का 500 ppm का छिड़काव किया जाता है, घोल से उपचारित करते हैं। देखो बिफोर प्रूनिंग, प्रूनिंग होता है कंटाई छिंटाई, ठीक है, तो इसमें फिर ये शाखाएँ हटा दी जाती है, जैसे आपको आफ्टर प्रूनिंग के बाद में दिखाई दिया होगा। चलो अब बच्चों ये मध्यम आकार का फल वृक्ष रहता है, तो गड्ढों का आकार कितना होना चाहिए, 50x50x50 सेंटीमीटर या 0.5x0.5x0.5 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई कह सकते हैं, तो ये गड्ढों का आकार होना चाहिए बच्चों। मृदा कैसे चाहिए, इसके लिए दोमट मृदा उपयुक्त होती है। तापमान 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए वेरी उपयुक्त होता है। भंडारण इसका 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पर किया जा सकता है। ओके चलो अब बच्चों अपने पास इसके मेन रूट स्टॉक कौन से हैं, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया था एक तो डोगरिज था, एक साल्ट क्रिक, ठीक है ना, तो बच्चों सूत्रकर्मी रोधी, निमेटोड रेजिस्टेंट, निमेटोड रेजिस्टेंट कौन से हैं, तो यहाँ देखो साल्ट क्रिक और 16-13 हो गया। 16-13 सर ये क्या है, ये भी बच्चों रूट स्टॉक हैं जो सूत्रकर्मी एवं फाइलोक्जेरा रेजिस्टेंट होता है ये, ठीक है। फाइलोक्जेरा एक डिजीज रहती है इसमें, सॉरी इंसेक्ट रहेगा उसका, रेजिस्टेंट है ये। अब लवणीय मृदा रोधी यानी कि लवण सहनशील होगा, तो वो अपने पास क्या है, डोगरीज टेम्पल, डोगरीज या साल्ट क्रिक, साल्ट क्रिक इसमें भी दिया, डोगरीज या साल्ट क्रिक हो गया। टेम्पल्स बच्चों पियर्स रोग प्रतिरोधी क्या रहता है, रूट स्टॉक रहता है टेम्पल, पियर्स रोग प्रतिरोधी। ओके तो ये दोनों अपने पास यदि बात करें 16-13 और टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद में डोगरीज या साल्ट क्रिक आपको पहले ही बता दिया था कि लवण सहनशील मृदाओं के लिए या लवण के प्रति रेजिस्टेंट हैं, तो उनमें लगाया जाने वाला रूट स्टॉक कौन सा, डोगरीज। अब अपने पास बच्चों क्या रहता है, प्रमुख हार्मोन हार्मोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस फ्रूट में। चलो GA3 यानी कि जिब्रेलिक एसिड है, GA3 जिब्रेलिक एसिड बेरी का आकार बढ़ाने के लिए, बेरी का आकार दिया जा सकता है या बच्चों कई बार लिखा मिल सकता है फलों का आकार, फल का आकार बढ़ाने के लिए। ओके तो कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है, GA3 काम में लिया जाता है। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 50 ppm का घोल किसमें, फल गिरने से रोकने के लिए, यानी कि प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं ना, फल पकने से पहले ही गिरने लग जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, या इसको क्या लिखा मिल सकता है बच्चों, प्लानोफिक्स का घोल काम में लिया जाता है। अब बात करें साइकोसिल ठीक है, तो वाइन की वृद्धि को रोकने के लिए हम फल बढ़ाने हेतु, और बात करें HCN तो कलिका फूटान बढ़ाने हेतु इसको यूज किया जाता है, परंतु ये अपने यदि मेन इंपॉर्टेंट देखा जाए तो इन दोनों का विशेष ध्यान रखें बच्चों। मैलिक हाइड्रेजाइड, यहाँ महाराष्ट्र मत कर देना, ये क्या है, मैलिक हाइड्रेजाइड ठीक है, तो ये नर बंध्यता मेल स्टेरिलिटी बढ़ाने हेतु काम में लिया जाता है। तो ये बच्चों प्रमुख हार्मोन है, यानी पादप हार्मोन हो गया। ओके तो याद हो गया होगा, जो बच्चे साथ में नोट्स तैयार कर रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आप कहोगे सर आप तेजी से पढ़ा रहे हैं। चलो यहाँ पर अब बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस रहता है, ट्रेनिंग की विधियाँ यानी कि मेथड ऑफ ट्रेनिंग, प्रूनिंग नहीं है, संगाई। ओके ये बच्चों जीवन अपने जब तक वृक्ष है वो एक आकार विशेष आकार लिया जाता है ना, तब तक ही की जाती है, परंतु प्रूनिंग होती है वो फल वृक्षों में आजीवन की जाती है। यहाँ पर अपने पास देखो बावर पंडाल परगोला विधि है,
एक अपने पास शीर्ष विधि रहती है, एक अपने पास ट्रेलिस विधि रहती है, एक टेलीफोन रहती है, एक कार्डोन विधि रहती है। तो ये पांच मेथड रहते हैं, आपको वन बाय वन पूरा बताया जाएगा। परंतु सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी रहती है? बाबर पंडाल या परगोला विधि। यहाँ से इस प्रकार का एक क्वेश्चन मिला था अब की बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में मिला था 2021 के एग्जाम में, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। चलो, अधिक आर्थिक अनुपात, अधिक आर्थिक अनुपात यानी कि इसमें बच्चों कितनी लागत होती है और कितना आउटपुट मिलता है। तो अपने पास बेनिफिट कॉस्ट रेशियो देखें तो यहाँ पर एक रुपया की यदि लागत होती है तो दो रुपया इसमें, दो रुपया नौ पैसा अर्निंग होती है। तो ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है अंगूर लगाने की, बाबर पंडाल या परगोला विधि। ओके, शीर्ष विधि में देखो बच्चों अपने पास पुरानी है, आसान है एवं सस्ती विधि है। ये देखो यहाँ पर शीर्ष विधि, ठीक है। तो इसमें ये पुरानी आसान व सस्ती विधि है, परंतु लागत और लाभ का इसमें बेनिफिट कॉस्ट रेशियो देखा जाए तो एक रुपया लगता है तो 0.63 पैसा ही मिलता है, यानी अपनी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो पाती है। परंतु ये आसान है, पुरानी विधि है, सस्ती विधि है। चलो, फिर बच्चों टेलीफोन विधि है, तो टेलीफोन विधि ज़्यादातर अपनाई जाती है इसमें। तो महाराष्ट्र में ये प्रचलित विधि है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही अंगूर की खेती होती है, तो टेलीफोन मेथड रहता है। ये देखो इस प्रकार, ओके, यानी कि इसमें टेलीफोन के तार के जैसे तार पर वाइने होती है। तो इसमें लागत और लाभ का, तो यहाँ पर एक रुपया लागत है, एक रुपया 71 पैसा अपने को अर्निंग मिलती है, तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ये हो गया। ओके, चलो फिर बात करते हैं बच्चों ट्रेलिस विधि भी संबंधित है, संघाई की है, और कार्डोन विधि। अपंडाल विधि या परगोला विधि या बावर विधि या मंडप विधि कह सकते हैं, तो इनकी अन्य पॉइंट क्या हो सकते हैं बच्चों, ये भी आपको याद करना होगा। चलो यहाँ से देख लेते हैं अपने पास, तो इसमें अपने पास देखो यह विधि अंगूर की संघाई की सबसे उपयुक्त विधि है। ओके सर, आपने बता दिया। दक्षिण भारत में मुख्यतः अपनाई जाती है, अधिक आय प्राप्त की जाने वाली विधि है। अब तो आपको पता लग गया कि हाँ सर, एक रुपया लगता है तो इसमें दो रुपया नौ पैसा वापस प्राप्त हो जाता है, इतनी उपयुक्त विधि है। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ? अनाब शाही वेराइटी के लिए अपनाई जाती है। अब यहाँ देखो दो नंबर, नेफिन विधि या ट्रेलिस विधि या चार भुजा यानी कि 4Y। ओके, तो चार भुजा वाली विधि भी कह सकते हैं, नेफिन, ट्रेलिस या 4भुजा। तो ये उत्तर भारत में अपनाई जाती है। अब अपने पास यहाँ पर टेलीफोन मेथड दिया जाए, तो देखो अपने पास टेलीफोन मेथड दिया जाए तो 6भुजा, ठीक है ना, 6भुजा वाली विधि भी इसको कह सकती है। तो यह विधि थॉमसन सीडलेस व परलेट किस्म के लिए उपयुक्त होती है। देखो टेलीफोन विधि ज़्यादा अपनाई जाती है कहाँ? महाराष्ट्र में। और वैसे भी बच्चों जितना अंगूर उगाया जाता है उसका लगभग 54% क्षेत्रफल किस वेरायटी के रहते हैं? थॉमसन सीडलेस वेरायटी का रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि थॉमसन सीडलेस किसकी है बच्चों? अंगूर की वेरायटी है। जालोर सीडलेस, जालोर सीडलेस, जालोर सीडलेस सर आपने तो बताया था अनार की है, शाबाश। ओके बच्चों, उपयुक्त, यह राजस्थान में अपनाई जाती है। चलो फिर बात करें बच्चों शीर्ष विधि, तो ये सस्ती है, सरल है, सबसे पुरानी विधि है, परंतु इस विधि द्वारा उत्पादित किए गए अंगूर की खेती में उत्पादन कम मिलता है। हाँ सर, आपने बताया था, हमारे को याद हो गया, लगभग 0.74 यही था ना, एक रुपया लगता है तो 0.71 या 4 तो 70 पैसे मिल जाते हैं वापस। चलो कार्डोन विधि, तो यह ट्रेलिस विधि के समान ही है। ओके, इतना ही ध्यान रखना होगा। और टाइटूरा ट्रेलिस विधि, इसे वाई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, इसको वाई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? टाइटूरा ट्रेलिस विधि। तो ये न्यू मेथड है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होगा कि अंगूर में वाई पद्धति की अन्य कौन सी विधि है या वाई पद्धति संबंधित है। तो टाइटूरा ट्रेलिस मेथड का ही अन्य नाम क्या है? वाई पद्धति। अब बच्चों एक क्वेश्चन अपने को यहाँ से मिलने का चांस रहता है। सर इतने कौन से क्वेश्चन मिलेंगे? बच्चों इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, परंतु अपने को एक इमेजिनेशन है, कल्पना है कि यहाँ से क्वेश्चन मिले तो किस प्रकार का मिल सकता है। चलो अंगूर की प्रमुख किस्में, तो बच्चों पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी किस्म किसकी है।
तो यहाँ पर देखो अपने पास अनाब शाही, हाँ सर, पूसा सीडलेस, ओके, अर्का हंस, अर्का कंचन, सर कंचन किसका था, कंचन बच्चों आंवला का था, थॉम्सन सीडलेस, सर अनार का, ये अंगूर का है, जालोर सीडलेस सर अभी आपने बताया था किसका है, अनार का है, ओके बच्चों, अर्कावती, अर्का कृष्णा, ये सब वेराइटियाँ किसके बच्चों, अंगूर की है सर। और कौन सी वेराइटियाँ और भी हैं क्या, हाँ बच्चों और भी हैं, अर्का मजेस्टिक, यहाँ पर अर्का मजेस्टिक हो गया, परलेट हो गया, अर्का श्वेता हो गया, थॉम्सन सीडलेस हो गया, डी लाइट हो गया, यहाँ पर बेंगलोर ब्लू हो गया, ब्लैक चंपा हो गया, दिल खुश हो गया, सर आपने पढ़ाया दिल खुश वैसे भी हो गया, दिल खुश, ठीक है ना। परंतु यदि बात आए बच्चों दिल पसंद की, सर पसंद क्या है, तो बच्चों दिल पसंद वेराइटी है टिंडा की, ठीक है ना, यूँ सोचो कि टिंडा को पसंद करो, सर हम टिंडा को क्यों करें, ओके बच्चों। IARI से विकसित किस्में, तो यहाँ पर बच्चों देखो पूसा उर्वशी, जहाँ पूसा लग गया यूँ मानकर चलो कि बच्चों ये IARI से विकसित किस्म है, पूसा उर्वशी हो गया, पूसा स्वर्णिका हो गया, पूसा नवरंग हो गया, और पूसा आदित्य, तो इसमें बच्चों ये आपको, हाँ सर ये हमारे को स्टार पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ओके, पूसा नवरंग वेराइटी है अंगूर की, पूसा उर्वशी, पूसा स्वर्णिका, पूसा आदित्य, ये सब वेराइटियाँ किसकी हैं, अंगूर की है, उर्वशी, स्वर्णिका, नवरंग, आदित्य, ओके सर। चलो अंगूर के बच्चों अब हाइब्रिड वेराइटियों की बात करें, सर हाइब्रिड तो हमारे को आम वाले याद नहीं हुए, आपने करवाए थे बच्चों, दोबारा पढ़ें, दोबारा देखें, समझें, आपको याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है यदि आपने एग्री हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो किया तो। अर्का कंचन, सर इसका कैसे याद करें बच्चों, कंचन यूं मानो कि कंचन अनाब शाही परिवार से बिलोंग करती है, कंचन अनाब शाही परिवार से बिलोंग करती है, हाँ सर ये तो हमने मान लिया, ओके, तो बच्चों ये अनाब शाही परिवार से बिलोंग करेगी तो क्वीन की तरह रहने पसंद करती है, तो क्वीन ऑफ वाइनयार्ड, अनाब शाही क्वीन ऑफ वाइनयार्ड, ओके सर हो गया। अब देखो बच्चों अर्का श्वेता, हाँ सर श्वेता, तो बच्चों श्वेता को याद करो, श्वेता मत लगाओ, था लगा दो, श्वेता श्वेता, हाँ सर लगा देंगे, तो अनाब शाही इंटू में थॉम्सन सीडलेस हो जाएगा बच्चों, हाँ सर ये दोनों क्रॉस तो याद हो गए, ओके। अब बच्चों अर्का श्याम, श्याम श्याम बच्चों क्या होता है, ब्लैक बोर्ड कहते थे ना पहले श्याम पट, ब्लैक बोर्ड उसको श्याम पट कहते थे, ओके सर। तो यहाँ से क्या करो बच्चों, बेंगलोर ब्लू करें, इसको क्या करें, ब्लैक चंपा करें, सर ये हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, यदि ब्लैक चंपा पहले आ गया, बेंगलोर ब्लू बाद में आ गया, तो बच्चों क्या हो गया, अर्का हंस हो गया, क्या हो गया, अर्का हंस हो गया। चलो बच्चों देखो अर्का हंस, यूँ सोचें कि अर्का कहाँ हंसेगा, अर्का कहाँ हंसेगा, तो ये ब्लैक चंपा के साथ बेंगलोर में हंसेगा, अर्का हंस किसके साथ, ब्लैक चंपा के साथ बेंगलोर में हंसेगा, अर्का हंस कभी नहीं भूलूंगी, हाँ सर आपने बताया था अर्का हंस कहाँ, ब्लैक चंपा के साथ बेंगलोर में हंसेगा, ओके सर ये याद हो गया, फिर आप बेंगलोर ब्लू इंटू में ब्लैक चंपा हो जाएगा, अर्का श्वेता का नाम आया आपने था याद किया, थॉम्सन सीडलेस हो जाएगा, अर्का कंचन, कंचन किससे परिवार से बिलोंग कर रही है, अनाब शाही परिवार से, तो कैसा रहना पसंद करेगी, क्वीन ऑफ वाइनयार्ड की तरह रहना पसंद करेगी, शाबाश। चलो बच्चों अर्का कृष्णा, ये ब्लैक चंपा इंटू में थॉम्सन सीडलेस है, अर्का कृष्णा का क्रॉस क्या है, कृष्णा, सर कृष्णा को क्या कहते हैं, ब्लैक कहते हैं, ब्लैक कहते हैं ना, कृष्णा को ब्लैक कहते हैं ना, तो ब्लैक चंपा इंटू में थॉम्सन सीडलेस लग गया, ठीक है, ब्लैक चंपा इंटू में थॉम्सन सीडलेस लग गया, यदि यहाँ पर क्या लग जाता, बेंगलोर ब्लू लग जाता, बेंगलोर ब्लू लग जाता, तो आप कहूँ सर अर्का हंस ब्लैक चंपा के साथ बेंगलोर में, तो अर्का हंस हो जाता है, यहाँ बच्चों यहाँ लग गया थॉम्सन सीडलेस, तो अर्का कृष्णा, अर्कावती, अर्कावती का बच्चों ये सेम ही क्रॉस रहता है, सर अंगूर के इतने आपने याद करवा दिए, हाँ बच्चों
आप एग्री हब के साथ जुड़े हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको याद हो जाएगा, आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, चार ऑप्शन में से आप डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। बस शर्त ये ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। सर अर्का नीला मणि तो ये इसकी है, कल आपने बताया था ना अर्का नीलकरण। अर्का नीलकरण बच्चों किसकी वेरायटी रहती है? अर्का नीलकरण होती है बच्चों अपने पास किसकी? आम की वेरायटी रहती है। किसकी रहती है? आम की रहती है। और ये इसका क्रॉस क्या रहने वाला है बच्चों? इसका क्रॉस क्या रहने वाला है? इसका क्रॉस रहने वाला है सर अल्फांसो इंटू में नीलम, अल्फांसो इंटू में नीलम। सर रत्ना, रत्ना का आपने बताया था नीलम इंटू में बच्चों अल्फांसो, नीलम इंटू में अल्फांसो। तो क्रॉस याद करें, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए आप में पढ़ने का, 100% सफलता आपके कदमों में होगी बच्चों। चलो अंगूर की प्रमुख किस्मों की विशेषताएं बच्चों। पूसा सीडलेस व थॉमसन सीडलेस सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली। सर अभी आपने बताया था कि 54% एरिया कवर करती है, हाँ हमारे को याद हो गया। अर्कावती, अर्कावती बच्चों अभी बताया था ब्लैक चंपा इंटू में थॉमसन सीडलेस। क्रॉस क्या बताया था? ब्लैक चंपा इंटू में थॉमसन सीडलेस। रेजिन बनाने हेतु उपयुक्त, सर रेजिन में नमी प्रतिशत बच्चों कितना? 17%। ओके सर। अर्का हंस, सर हमारे को क्रॉस याद हो गया, अर्का हंस कहाँ हंसेगा? ब्लैक चंपा के साथ बेंगलोर में हंसेगा। ब्लैक चंपा इंटू में ब्लैक चंपा इंटू में बेंगलोर ब्लू। ओके सर। तो ये सफ़ेद वाइन बनाने हेतु उपयुक्त है बच्चों। मस्कट ये रंगीन व बीज युक्त किस्म है। उसके बाद में बच्चों डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त बैंगलोर ब्लू परलेट थॉमसन सीडलेस डिलाइट, ये याद करना पड़ेगा। कैनिंग हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सब्जी की बात करें, सब्जी की उपयुक्त बात करें तो डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है बच्चों मटर। ओके सर। देर से पकने वाली किस्म कौन सी है? ब्लैक चंपा बैंगलोर ब्लू चीमा। सर चीमा व धामी ने खोज की थी, चीमा व धामी ने किसमें? आम में खोज की थी, ठीक है ना, आम में खोज की थी। चलो परलेट किस्म कौन सी है बच्चों? परलेट किस्म यह राजस्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त किस्म है। अर्का कंचन, सर हमारे को क्रॉस याद हो गया, कंचन कैसे परिवार से बिलोंग कर रही थी? अनाब ए शाही, कैसे? अनाब ए शाही। और क्रॉस किसका था? सर ये क्वीन ऑफ वाइनयार्ड की तरह जीवन जीती है, तो क्वीन ऑफ वाइनयार्ड, वाइनयार्ड। तो बच्चों इस प्रकार आप याद करें, कोई हार्ड काम नहीं है। ता से गणेश, सर गणेश वेरायटी आपने किसकी बताई थी? तो बच्चों गणेश किसकी थी? गणेश थी अपने पास अनार की, अनार की थी। बुल्ले शाह रेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास ता से गणेश हरे रंग की बीज रहित किस्म है बच्चों। अन्य किस्मों में ब्लैक चंपा अनाब शाही अर्का कृष्णा अर्का श्वेता, हाँ सर हमने था लगा दिया यहाँ स्वेद था। थॉमसन सीडलेस अनाब शाही इंटू में थॉमसन सीडलेस, इसका क्रॉस हो जाएगा। सर क्रॉस तो आपने याद करवा दिए, हाँ बच्चों। अर्का मजेस्टिक बैंगलोर ब्लू सर्द सीडलेस परलेट ये अन्य किस्में हैं। डिलाइट दिल खुश आ गया ना बच्चों, हाँ सर आपने पढ़ाया हमारा वैसे ही दिल खुश हो गया। ओके चलो देखो बच्चों रेड ग्लोब डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है और ज़्यादातर रेड ग्लोब किस्म है, ज़्यादातर बच्चे क्या कर देंगे? गुलाब की कर देंगे। नहीं गुलाब मत करना, यदि आप गुलाब कर दिए तो आप भीड़ में रहोगे, यदि आपने अंगूर कर दिया तो आप भीड़ से निकल जाएंगे। अर्का चित्रा, चलो बच्चों अंगूर की प्रमुख किस्में, सॉरी प्रमुख रोग हैं। तो बच्चों रोग एंथ्रेक्नोज या श्यामवरण रोग लगता है इसमें, ये इस प्रकार के इसमें प्लांट हो जाता है एंथ्रेक्नोज यानी कि श्याम वरण। इसमें बच्चों क्नोज का होता है झुलसना, देखो यहाँ पर ब्लाइट की तरह। अल्सिनोई एम्पेलिना इसका क्या होता है बच्चों? ये कवक जनित रोग होता है, कैसा होता है? कवक जनित रोग होता है, उत्तर भारत का प्रमुख रोग माना जाता है। डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू में देखो बच्चों लीव्स के नीचे और स्टेम पर इस प्रकार वाइट रंग का पाउडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है कवक, और इसको दे रहा हूँ मैं बच्चों 3-स्टार रोग। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स प्लाज्मा फोरा विटिकोला, प्लाज्मा फोरा विटिकोला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों इस कवक को याद करना। सी ओ सी, सर सी ओ सी क्या है? कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का छिड़काव किया जाता है बच्चों इसके लिए, कौन किसका? कॉपर ऑक्सी
क्लोराइड। अब अपने पास इसके बच्चों प्रमुख कायिक विकार यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी रहते हैं, तो पिंक बेरी फॉर्मेशन संबंध है पिंक बेरी फॉर्मेशन का तो अंगूर से, ताश से गणेश इसके प्रति संवेदनशील की समय, देखो इसमें है ना जो बेरीज का आकार है वो पिंक कलर की हो जाती है, अधिक तापमान के कारण रहता है ये पिंक बेरी फॉर्मेशन। हैन एंड चिकन डिसऑर्डर संबंधित है, आप कहीं पोल्ट्री से मत कर देना, पोल्ट्री से मत कर देना। हैन एंड चिकन डिजीज बच्चों बोरोन की कमी के कारण होता है किसका, अंगूर में, इसमें बेरीज का आकार बहुत समाल हो जाता है। अब कैलिक्स एंड रोट, सर कैलिक्स एंड रोट बस याद करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ये कैल्शियम की कमी के कारण, कैलिक्स लग गया कैल्शियम की कमी, वाह सर क्या याद करवाया है ना, कैलिक्स की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, सॉरी ये इस प्रकार देखो कैल्शियम की कमी के कारण इस प्रकार के फ्रूटिंग हो जाते हैं, तो ये कैलिक्स एंड रोट के सिम्टम रहते हैं। चलो शॉर्ट बेरी जिसमें बेरी का आकार भी अनियमित हो, देखो बोरोन के कमी के कारण व परागकरण की अनियमितता के कारण हो जाता है। वाटर बेरीज नाइट्रोजन की अधिकता के कारण हो जाता है, ओके तो इसमें वाटर बेरीज थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलो ये अपने पास प्रमुख कीट है बच्चों, इसका प्रमुख कीट एक ही कीट है मेनली, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, ग्रेप वाइन बीटल ठीक है। प्लेडिनोटा ठीक है, पुंकटाटा ये इसका नाम रहता है बच्चों, ये स्क्रेबियडी फैमिली से बिलोंग करता है, स्क्रेबियडी कुल से बिलोंग करता है, तो प्रमुख कीट माना जाता है इसका, ध्यान रखना होगा ग्रेप वाइन बीटल, बस इतना याद करना होगा, यदि आगे नाम याद रहता है तो अच्छी बात है। प्लेडिनोटा पुंकटाटा यह अंगूर का प्रमुख कीट है बच्चों, ये इस प्रकार का अपने यदि ऑर्चर्ड हो तो उसमें पहचान सकते हैं, इस प्रकार का रहेगा ओके। इसमें बच्चों यहाँ से देखो इनके पहचान के ये सिम्टम रहते हैं अपने पास ओके। तो आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, एक ही लेक्चर में अपने बहुत कम टाइम में शानदार तरीके से क्रॉप को फिनिश किया है, और अधिक जानकारी के लिए बच्चों ये संस्थान के नंबर दिए गए हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं। वैसे हमारा अभी ऑफलाइन बेंच 15 जुलाई से जेट आई सी आर बी एच यू का बेंच स्टार्ट होने वाला है, जेट आई सी आर व बी एच यू एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का बेंच स्टार्ट होने वाला है, एक बार आकर आप ऑफलाइन क्लासेज में ज़रूर विजिट करें, आपको अच्छा लगता है तो फिर आप एडमिशन लीजिए, नहीं आपको इस प्रकार एग्रीकल्चर घर बैठे ज़रूर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।